प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका क्या मकसद है, कितनी मांगे हैं और इसको लेके क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, जो मुख्य मांग है उसमें पहला ये है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण और प्रयागराज प्रशासन द्वारा जो सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है महाकुंभ के नाम पे, उसमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और लोगों के घर बिना मुआवजा के जबरदस्ती तोड़े जा रहे हैं। उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि सबका मुआवजा मिलना चाहिए। उसके साथ ही एयरपोर्ट रिंग रोड जो जा रही है उसमें भी मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए। रिंग रोड जो जा रहा है उसमें भी मुआवजा मिलना चाहिए। उसके साथ ही जो बालू के बंद पड़े घाट हैं वो चालू होने चाहिए। और वो प्रशासनिक अधिकारी जो अपने कार्य को लापरवाही करते हैं, सही से करते नहीं, चाहे वो PPGCL के हों, चाहे वो SDM स्तर के अधिकारी हों, चाहे कुछ भी हों, एक शनि मंदिर का मामला है जिसको हम लोग पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं, आज भी वहाँ दूसरे गांव के लोगों ने मंदिर पे कब्जा कर रखा है। इस तरीके की 26 मांगें हम लोग की है जिसको लेके हम लोग पिछले 1.5 साल से आंदोलनरत हैं और कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया। अधिकारियों के आश्वासन पे हम लोग हमेशा मान गए कि यहाँ अधिकारी हैं, हमारे बीच से हैं, ज़रूर हम लोग का काम करेंगे, लेकिन काम नहीं हुआ। इसके विरोध में पूरे जिला कमेटी ने तय किया है कि आने वाली 24 तारीख से यमुना जी में हम लोग जल सत्याग्रह करेंगे, पानी के बीच बैठ करके सब प्रशासन का विरोध करेंगे, इनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे, ताकि जो शासन में बैठे लोग हैं, अधिकारी हैं, जो सरकार के लोग हैं, उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे और वो आकर के हमारी समस्याओं का समाधान कराएं। इस बार हम लोगों ने प्रण किया है कि जब तक समाधान नहीं तब तक आंदोलन का समापन नहीं। अगर समापन ये बलपूर्वक कराना चाहेंगे तो फिर समापन जेल में होगा। कितने लोग होंगे शामिल? 8 से 10 हज़ार लोग रहेंगे साथ में जल सत्याग्रह में। आपका नाम? अनुज सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष।